हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। माय चैनल नेम इज अनुज ठाकुर। गाइस, पहली वाली वीडियो पे आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक्स। तो गाइस, अब मैं जाने वाला हूँ राजघाट और वहाँ की कुछ वीडियो शूट करूँगा मैं, और आपको दिखाऊँगा कि कितने गेट खुले हैं वहाँ पे राजघाट के और कितने नहीं, सब कुछ चीज़ मैं बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहिए गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जी, मेरी कार खड़ी है, इसमें बैठा है डीजल और चल रहे हैं ना कि कुछ दिखाएंगे अच्छे अच्छे प्लेसेस। तो वीडियो पे बने रहिए और काफ़ी एंजॉय करिए। और अभी भर रही है एयर, जैसा कि देख सकते हैं रिलायंस का पेट्रोल पंप है और एयर भरवा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं। गाइस, से देखिए सामने, आप देख सकते हैं, बोर्ड पढ़ भी सकते हैं कि चंदेरी कुछ ही देर में आने वाला है। तो चंदेरी में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो एक ढाबा आता है बहुत स्पेशल, वहाँ रुकते हैं। चंदेरी के ढाबे पर रुके, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं ढाबा। तो यहाँ से बनवाई है मैंने चाय और एक समोसा, अभी हम खाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो काफ़ी बोरिंग हो गए थे कार में बैठे, फोर व्हीलर जो खड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और आगे का सीन आपको बताते हैं। देख सकते हैं देसी ढाबा मेरे पीछे, अच्छी चाय थी और समोसा भी अच्छा था। तो गाइस चलते हैं और काफ़ी अच्छे कवर करने की व्यू कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बैटरी भी कम हो रही है, इस वजह से जल्दी जितना हो सके उतना कवर करेंगे व्यू अच्छा अच्छा। तो गाइस चलते हैं, लेट्स। गाइस, मेरे पीछे देख सकते हैं ये चंदेरी का म्यूज़ियम, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। और जो है रोड, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी फ़न कर रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 11:30, जैसा कि मैंने पीछे से अभी पी थी चाय, और अब चलते हैं। अब 35 किलोमीटर और रह गया, तो गाइस चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ सीन। और बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ चंदेरी का म्यूज़ियम बाहरी से, अभी अंदर जा नहीं रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है और सारा व्यूज़ कवर करना है। और आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक शॉट। गाइस, एक बार सामने से दिखाता हूँ व्यू, और सामने 5 रुपये का टिकट है ओनली, देख सकते हैं ये प्लेस है। तो गाइस अभी टाइम नहीं है और व्यू कवर कर रहा हूँ बाहर से, और ये 12 बजे बंद हो जाता है, मैंने पता किया था, तो इस वजह से अंदर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर कभी आएंगे तो आपको घुमाएंगे ज़रूर चंदेरी का म्यूज़ियम, किला, इतिहास, हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी फेमस होती हैं। और मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, एक ना एक दिन ज़रूर आऊँ। और काफ़ी मज़ा आया चंदेरी में थोड़ा देर रुक के, क्योंकि नाश्ता भी कर लिया थोड़ी देर, और अब चलते हैं आगे। Much later. गाइस, जैसे देख सकते हैं आप चंदेरी मार्केट में एक काफ़ी अच्छी मार्केट है साड़ियों की। अगर आपको सारा साड़ी चाहिए हो बनारसी अच्छी सिल्क वाली कॉटन, तो सारी साड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं ब्रांडेड। आपके लिए सिर्फ आए थे और आपको दिखाना थी मार्केट। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं मार्केट, हर चीज़ की मार्केट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर साड़ी की मार्केट बहुत अच्छी। गाइस जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं आप साड़ी की दुकान है, और ये साड़ी चंदेरी साड़ी है, साड़ी जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं का बनारसी साड़ी, जैसी आपको साड़ी चाहिए। तो गाइस अभी मार्केट में घूम रहे हैं, तो गाइस मार्केट से बाहर निकल आया हूँ, और मेरे पीछे किला
टाइम था नहीं, इस वजह से मैं किला नहीं घुमा पाया। फिर कभी आएंगे तो किला आपको पूरा घुमाएंगे और म्यूजियम भी घुमाएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए ये मार्केट है और ये रोड, एक बार 360 में व्यू देखिए। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ राजघाट के ऊपर और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। ऊपर से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको व्यू पॉइंट, काफ़ी बढ़िया लगता है। एक बार आइए ज़रूर और विज़िट। गाइस मेरे पीछे एक देखिए काफ़ी अच्छा व्यू, जो कि है राजघाट, इसे बोलते हैं राजघाट। देखिए तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर आप सीज़न में आते हैं तो काफ़ी भर जाता है और काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं और वो पीछे देख सकते हैं टापू भी बना है। तो गाइस काफ़ी आइए और एंजॉय करिए। गाइस ये देख सकते हैं आप सामने, ये है तानावाना होटल। यहाँ काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स रुक भी चुके हैं और आ भी चुके हैं शूटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया प्लेस है और इस प्लेस पे काफ़ी लोग आ चुके हैं। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। गाइस ये सामने देख सकते हैं आप सारे, ये राजघाट के पूरा रिवर है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और ये भोपाल से आ रही है। और सामने राजघाट के सारे गेट क्लोज हो गए हैं अभी इस टाइम। अभी बारिश थी तो सारे गेट खुले थे और अभी बारिश बंद हो गई है तो इसलिए सारे गेट क्लोज हो गए हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो